नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नैसर्गिक नाले पर हो रहा था अतिक्रमण, मनपा को मिली शिकायत, मनपा ने चलाया बुलडोजर, हुई तोड़क कार्यवाही। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत बरसात में जल भराव और जल जमाव की जो स्थिति पैदा होती है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसे ही अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक नाला सुपारा वेस्ट का हनुमान नगर है, जहां एक बार पानी भरा तो कई दिन तक पानी उतरता ही नहीं है। अभी इस वर्ष भी करीब 12 दिनों तक इस क्षेत्र में से पूरी तरह पानी नहीं उतर पाया था। इसी हनुमान नगर में एक नैसर्गिक नाला है और उस नाले में कचरा फंसने की वजह से जल भराव के समय पानी जल्दी उतर नहीं पाता है, लेकिन नाला खुला होने के चलते मनपा के सफाई कर्मी अक्सर उस नाले से बगैर किसी मशीन की सहायता से मैन्युअली कचरा निकाल दिया करते हैं। कई बार सफाई के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी नैसर्गिक नाले को ढकने हाल ही में उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों ने मनपा को शिकायत की और नाले को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए सफाई करने में आसानी रहे इसके लिए खुला रखने की गुहार लगाई। मनपा को शिकायत मिलने पर सोमवार को मनपा प्रभाग समिति ई कार्यालय के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और उस नैसर्गिक नाले पर बीम डालकर बिठाई गई टपरी के हो रहे अतिक्रमण पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर तोड़क कार्यवाही कर नैसर्गिक नाले को अतिक्रमण मुक्त करवाया। ज्ञात हो वसई विरार में पिछले सालों में हो रहे लगातार जल जमाव के पीछे विशेषज्ञ लोग नैसर्गिक नालों के साथ की जा रही छेड़छाड़ व नालों पर हो रहे अतिक्रमण को मुख्य वजह बताते हैं। पूरे वसई विरार में अक्सर जगहों पर नालों का हाल खराब है, जिन पर मनपा का ध्यान नहीं होने का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक लोग लगाते रहे। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।